दोस्तों, आज मैं एक नई रेसिपी लेके आ गई हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं अंडा सब्जी। ये सब्जी इतनी यूनिक है, ये कभी भी खाया नहीं होंगे आपने। एक बार इसी तरह से बना के खाएगा, बहुत ही टेस्टी लगेंगे। चले बनाने शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर एक बॉल में अंडा लिया है। मैं यहाँ पर 6 पीस अंडा डाल रही हूँ। आपको जितनी क्वांटिटी बनानी है वो हिसाब से डाल सकते हैं। और मैं यहाँ पर थोड़ी सी नमक डालूंगी। अभी मैं डाल दूंगी यहाँ पे प्याज, मैंने छोटी छोटी पीसेस में कट करके लिया है। 3 चम्मच प्याज डाल दूंगी यहाँ पर। और एक हरी मिर्च मैंने यहाँ पर चॉप करके भी लिया है, इसको भी यहाँ पर डाल दूंगी। अभी मैं यहाँ पर एक और नई चीज डाल रही हूँ, यह है चीज। मैं यहाँ पर चीज यूज कर रही हूँ, बहुत ही अच्छी टेक्सचर देंगे खाने के टाइम में, बहुत ही अच्छी लगेंगे और अंडे की रेसिपी में इनहेंस करते हैं यह डालने के बाद। अभी इसको हम मिक्स करेंगे। मसाला वाला ज्यादा नहीं है, मैं सिंपल बना रही हूँ और इतनी टेस्टी बनती है ये सब्जी। और अभी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ बेसन। बेसन 2 चम्मच डाल रही हूँ। 6 अंडे ले रही तो आप 2 चम्मच डालिएगा, 3 अंडे ले रही तो 1 चम्मच डालिएगा। नहीं तो हमें ये जब बनाने का टाइम है हार्ड बनेंगे तो सॉफ्ट बनने के लिए हमें बेसन का क्वांटिटी कम ही रखनी होगी। और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर गैस पे एक पैन ले रही हूँ। पैन पे यहाँ पर 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल दिया है, इसको गर्म होने देंगे। उसके बाद जो मिक्स करके रखी हुई थी अंडा का वो यहाँ पर डाल देंगे। गैस का फ्लेम लो करेंगे और ढक्कन लगा के इसको 5 मिनट तक हमें पकाने होंगे। 5 मिनट के बाद मैं चेक कर रही हूँ, ये देखिए अंडे इतने अच्छे से फूल के ऊपर तक आ गई है, अच्छे से पक गई है। अभी इसको हम यहाँ पर निकाल देंगे प्लेट पे। आप देख सकते हैं अंडे कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में, स्पॉन्जी जैसे लग रहे हैं और इतना सॉफ्ट भी है, ज्यादा हार्ड नहीं बनी हुई है। मैं आपको कट करके दिखाऊंगी कितनी सॉफ्ट बनी है और कितने हार्ड बनी हुई है। इसलिए मैंने आपको बोला कि यहाँ पर ज्यादा बेसन यूज नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बेसन का फ्लेवर ज्यादा आएंगे, अंडा का फ्लेवर कम। अभी इसको हम इस तरह से कट करेंगे और बॉक्स बॉक्स शेप में कट करती हूँ मैं इसको। थोड़ी सी पनीर, बड़े बड़े पीसेस में पनीर कट करते हैं ना, वो हिसाब से कट करेंगे। और ये देखिए कितनी अच्छी बनी हुई है, और ये देख सकते हैं आप जालीदार बनी हुई है और सॉफ्ट भी है। और ये देख सकते हैं आप बैक साइड में भी इस तरह से क्रंचीनेस आ जाते हैं और सॉफ्ट बनी हुई है, हार्ड नहीं है। अभी हम इस पैन पे और 1 चम्मच कुकिंग ऑयल डाल देंगे, तेल को गर्म होने देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर डाल दूंगी अदरक लहसुन चॉप किया हुआ है, हरी मिर्च भी चॉप किया है। आपको मिर्ची स्पाइसी कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी स्पाइसी कर रही हूँ मैं। यहाँ पर थोड़ी सी खट्टापन का मैं दही भी डालूंगी, इसलिए मैं थोड़ी सी ज्यादा स्पाइसीनेस कर रही हूँ। इसको हम ब्राउन होने तक इस तरह से भून लेंगे। ये देखिए थोड़ी सी ब्राउन हो गई है। अभी मैंने यहाँ पर ले रही हूँ 1 टमाटर, छोटी छोटी पीसेस में कट करके लिया है। इसको इस तरह से भून लेंगे। अभी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स 1 चम्मच, ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून और थोड़ी सी नमक डाल दूंगी। टमाटर थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो जाएंगे, उसके बाद खाने में टेस्ट भी लगेंगे। बस अभी हमें इतने ही मसाला यूज करने हैं, कोई मसाला यूज नहीं करेंगे, लेकिन ये खाने में इतनी टेस्टी लगेंगे आपको पता भी नहीं चल रहा है कि ये अंडा खा रहे या पनीर की सब्जी, इतनी टेस्टी लगेंगे। एक बार जरूर आप ही बना के खाएगा। और मैंने यहाँ पर थोड़ी सी खट्टा सोला दही लिया है 2 चम्मच। मैं इसको थोड़ी सी चटपटा फ्लेवर में बना रही हूँ, स्पाइसीनेस भी आएंगे और थोड़ी सी खटासपन भी आएंगे, तो खाने में बहुत ही मजे लगेंगे। आपको पता भी नहीं चलेंगे कि पनीर खा रहे या अंडा का रेसिपी खा रही है, इतनी टेस्टी बनेंगी ये। ग्रेवी बन के तैयार हो गया है। अभी जो अंडे को हमने फ्राई करके रखी हुई थी इसको यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देख सकते हैं आपको कितने अच्छे लग रहे, इतना स्पॉन्जी है ये अंडा और इतने फुली फुली हुई सी, इतने मोटे मोटे, देखिए आप पनीर जैसा लग रहे है ना देखने में। और मैं यहाँ पर डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, थोड़ी सी कलर में अच्छी भी आएंगे, स्पाइसी नहीं होते हैं। मैंने यहाँ पर हल्दी यूज नहीं किया है, इसलिए मैंने यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। ये देखिए आपको कितने अच्छे लग रहे हैं, ये सब्जी बनके तैयार हो गया है।
आप ये रेसिपी बना के एक बार जरूर खाएगा। आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। इसी तरह से नई नई वीडियो लेके मैं आती रहूंगी। आपका प्यार आपका सपोर्ट हमेशा बनाए रखेगा। तब तक के लिए बाय बाय।